Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 3rd subject Maths Magic chapter 10 play with pattern. तो हमें इस चैप्टर में मैंने आपको आगे भी बोला था यहाँ पर हमें पैटर्न के साथ ही गेम्स खेलने हैं. ओके, तो पेज नंबर 177 क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है. प्लीज चेक आउट द वीडियो प्रीवियस एंड कंप्लीट इन योर वर्कबुक. सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट करते ही आपको इस तरह के पैटर्न देने हैं. जो मिसिंग पैटर्न होंगे वो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं. तो फर्स्ट वो गोल सर्कल है एक, वो यहाँ पे घूमकर इस साइड आएगा. यहाँ पे इट मींस यहाँ से इस सर्कल यहाँ होगा, फिर यहाँ पे आ गया. फिर वो गोल घूमकर ऊपर की साइड जाएगा ऊपर की साइड. तो हमें यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरह से ड्रॉ करनी है. फिर अगेन वो गोल घूम करके आएगा, सीधा आएगा. तो वो हो गया सीधा यहाँ पे. फिर वो गोल घूमकर इस साइड आएगा, लेफ्ट राइट साइड. तो यहाँ पे हम कर देंगे इस तरह का सर्कल. और कुछ समझने के लिए इजी आपको बता दूँगी. तो फर्स्ट है हमारा इस तरह का हाफ पोर्शन, ए वाला हाफ पोर्शन. तो वो मैंने गोल घुमा दिया, तो वो इस तरह से घूमकर यहाँ पे आ गया, इट मींस ए वाला. फिर अगेन उसको गोल घुमाया तो वो आ गया यहाँ पे ऊपर. तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ऊपर. फिर उसको घुमाया इस तरह से, तो वो यहाँ पे बन गया इस तरह का सेप. फिर अगेन मैंने उसको गोल घुमाया तो वो हो गया यहाँ पे सीधा. तो इस तरह से हमें पैटर्न कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट पैटर्न क्या है? तो नेक्स्ट पैटर्न है आपकी ट्रायंगल. तो पहले आपको ट्रायंगल दिया है डाउन अप डाउन अप डाउन. ओके, तो अप यहाँ पे डाउन है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे अप. तो दोनों साइड से स्लेटिंग लाइन कर देंगे और इन दोनों को कर देंगे जॉइंट. तो ये हो गया आपके ट्रायंगल. फिर ए हो गया डाउन. अब क्या करना है? अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन. समझ में आ गया ना? डाउन अप डाउन अप डाउन. तो अब यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे डाउन. तो डाउन आप ड्रॉ करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो कि दोनों साइड से पहले स्लेटिंग लाइन हमने इस तरह से की थी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करनी होगी पहले स्लिपिंग लाइन. फिर यहाँ पे दोनों को इस तरह से जॉइंट करना है स्लेटिंग लाइन. तो ये हो गया आपका ट्रायंगल. देखो समझ में आ गया किस तरह से स्टेप बन गया ये. फिर नेक्स्ट आपको दिया है एक बॉक्स. तो इस बॉक्स में आपको क्या करना है? तो ये बॉक्स है वो पहले इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर की तरफ है. फिर वो गोल घूमकर किस तरफ जाता है? लेफ्ट साइड जाता है. फिर वो ऊपर से आकर नीचे आएगा. तो हमें इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी होगी. पहले हम ड्रॉ करेंगे बॉक्स, फिर दोनों साइड को इस तरह से जॉइंट. तो चलो ये पहले था सीधे, फिर ये हो गया स्लिपिंग लाइन जैसा इस तरह का. फिर वो हो गया सीधा. तो हम क्या कर देंगे? इस तरह से सीधा उसको ड्रॉ कर देंगे. हमने पहले इस बुक्स को हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से. तो चलो अब क्या है? तो कि ये जो एरो है वो इस तरह से पहले सीधा था. ओके, फिर इस तरह से लेफ्ट साइड आ गया. तो इट मीन्स ये वो लाइन है वो यहाँ पे आ गई. फिर वो लाइन है कहाँ पे आ गई होंगी? क्यों नीचे आ गई होंगी? इट मीन्स इस तरह से. ओके, तो वो घूमकर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे. तो हम एक पहले यहाँ पे कर देंगे लाइन और एक आएंगी यहाँ पे लाइन. फिर से वो क्या हो गया? सीधा था. फिर से वो घूम गया इस तरह से, फिर से हो गया सीधा. तो हम बना देंगे यहाँ पे बॉक्स और दोनों साइड से जॉइंट. फिर कर देंगे लाइन इस तरह की. तो किस तरह से गोल 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 घूम कर वो बन गया, देखा आपने?
पहले था सीधा, फिर साइड में, फिर सीधा, फिर साइड में, फिर सीधा, ओके। फिर नेक्स्ट है आपको हाफ सर्कल यहाँ पे लिया है, चलो हाफ सर्कल, डाउन अप, तो अप में हम इस तरह से करेंगे सर्कल और एक डॉट, फिर डाउन के बाद आए ये हो गया अप और बनेगा डाउन, तो हाफ पोर्शन इस तरह से ड्रॉ करना है और करना है सर्कल, ओके। डाउन अप डाउन, चलो समझ में आ गया किस तरह से डाउन पैटर्न हमने कंप्लीट की, ओके। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपको लाइन कंप्लीट करनी है, पहले आपका बॉक्स इस तरह से था, फिर आप क्या करेंगे ऊपर की साइड लेंगे तो वो किस तरह से बन जाएगा, तो यहाँ से मैं उसको घुमाऊँगी तो यहाँ पे आ गया, फिर उसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगी तो हो जाएगा इस तरह से, तो पहले यहाँ पे एक लाइन आएगी इस तरह की और एक यहाँ पे लाइन आएगी, चलो क्या करना है, क्योंकि पहले वो शेप है वो पहले सीधा था फिर वो घूम गया तो आ गया यहाँ पे, अब हम इसको और इस तरह से रख कर यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे आएंगी स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे आएंगी स्लीपिंग लाइन, तो वो गोल घूमकर आएगी यहाँ पे नीचे, इट मीन्स यहाँ पे आकर यहाँ पे, फिर वो यहाँ से आ गई, देखो हमने जिस तरह से ड्रॉ की थी वो इस तरह से आ गई, फिर यहाँ से आएंगी वो नीचे लाइन आएंगी, इट मीन्स हमें इस तरह का शेप ड्रॉ करना है, तो पहले हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन और कर देंगे यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, तो ये हो गई आपकी लाइन, इस तरह से आपको ये चैप्टर में डिफरेंट लाइन ही सीखनी, ओके। डोंट वरी, कुछ हार्ड नहीं, एकदम इजी तरह से हमें कंप्लीट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ड्रॉ करने हैं बॉल, तो सबसे पहले आपको दिया है ड्रॉ करके एकदम छोटा बॉल, इससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा और भी गम बनाते हैं, अब ये है इससे भी बड़ा थोड़ा, और हम यहाँ पे इससे भी और बड़ा बनाएंगे, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हाफ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरह से, फिर यहाँ से छोट करके यहाँ पे ड्रॉ कर दो ताकि आपका एकदम सर्कल परफेक्ट बन जाए, तो देखा स्मॉल बिग, बिगर बिग, इस तरह से मोर देन इसकी हाइट बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पे आपको दिया है एक एरो, तो एरो इस तरह से होगा, तो हम उसके आपको बताते हैं, तो पहले था एरो इस तरह से, आप देख सकते हैं ऊपर था, फिर हमने कर दिया उसको उल्टा, इस तरह से उल्टा, तो वो आ गया यहाँ पे, देखो आप इस तरह से, फिर मैंने कर दिया सीधा, तो फिर से अगेन इसके मैं इस तरह से उल्टा कर दूँगी तो वो आ जाएगा इस तरह से, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा, तो हम इस एरो को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, स्केल रख के, स्केल रखनी है और कर देना है जॉइंट, ओके। चलो फिर इस तरह से हो गया, फिर मैं उसको इस तरह से रखूंगी सीधा, तो वो इस शेप में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे स्लेटिंग लाइन एंड पॉइंट, तो ये हो गया इस तरह का एरो। फिर हमें यहाँ पे बनाना है वो पैटर्न, तो पहले हार्ट शेप की पैटर्न है ऊपर, हार्ट शेप है नीचे, तो हार्ट शेप में नीचे के बाद क्या आएगा ऊपर, तो आपको क्या करना है इस तरह से हार्ट शेप बनाना है, ओके। देखो जो एस होता है ना इस तरह से थोड़ा कर्व नहीं देना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ से फिर अप के बाद डाउन, फिर आएगा डाउन के बाद अप, तो यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट करना है, चलो हो गया अप डाउन अप। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको अपनी मैथ्स की बुक पर पेज नंबर 177 पर कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम
पेज नंबर 178 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके चलो तब तक के लिए आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।